स्वधर्मे न धनम श्रेय, श्रेय पर धर्मो भयावहा। गीता कहती है अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। कई लोग कल मुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने धर्म में क्या देवताओं की कमी है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो, राम जी लगे हनुमान जी लगे, तुम कहो कि नहीं हमें तो त्रिशूल वाले चाहे, माता जी को मानो, तुम कहो नहीं हमको तो बैल जिसका सवारी हो वो चाहिए, भोले बाबा को मानो। लेकिन तुम लोग कुछ कल मोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं, ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ। जब अपने धर्म में इतने देवता कम हैं, क्या कम हैं? औरों को तो एक ही किताब है, वो या चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले, अपने ते रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो, 18 पुराण 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, मनु स्मृति, बची खुची हम बना देवी, क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? हाँ? और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी अगर वो ही हो जाए फू तो क्या करोगे? इसलिए नक्कटा हरो हिंदुओं, जाग जाओ सनातनियों, आज कथा में वचन लेकर जाओ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। कौन कौन ये वचन लेकर जा रहा है, कौन कौन सनातन एकता के लिए वचन दे रहा कथा में बताओ। तुम्हें सौगंध है रामचरितमानस की, मर जाना पर एक काम करना, कभी भी सनातन पर दाग लगने की बारी आए तो किसी, अगर तुम लोग आगे ना खड़े हो पाओ तो कोई अगर सनातन की बात करता हो तो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाए। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, बगल में ना भी खड़े हो पाओ तो पीछे खड़े हो जाना, कम से कम सामने वाली पार्टी को ये तो दिखे कि इनके पास बहुत लोग हैं, अपने आप डर करके भाग जाएंगे, लड़ने की जरूरत नहीं।